हाय नमस्कार चलिए आज बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नॉर्मल कॉर्पोरेट्स जो यहां पर रिटेल इंडस्ट्री में है 2020 सबको एक अलग तरीके का दिन दिखाया मतलब आप जानते हो कितने इंडस्ट्रीज बंद हो गए कितने बिजनेसेस बंद हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सबको एक तरीके का नेगेटिव थिंकिंग है केस ऑफ इंडिया बिकॉज 1995 से 2020 इफ यू काउंट हर साल एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स के नाम से एक के बाद एक एक के बाद एक स्कैम्स होते ही रहते हैं सो so, ये इतने स्कैम होने के बाद नॉर्मली जो बिजनेसमैन है वो सोचेगा यार अगर ये इतनी स्कैम हो रहा है तो हाउ कम आई विल एंटर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री बट फ्रेंकली स्पीकिंग डायरेक्ट सेल्स की जो डेफिनेशन है दैट सूट्स दैट सूट्स वेरी मच सूट्स कोविड सिचुएशन जहां पे आपके पास आज के डेट में रेवेन्यू कम है सेल्स कम है जब आपके पास पैसे की कमी हो जब आपके पास रिसोर्स की कमी हो शायद डायरेक्ट सेल्स वहां पे बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप रिटेलर को पैसा देते हो आप वेयर हाउस को पैसा देते हो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायमें और सबसे बड़ा डायमेंटाइजमेंट इन एडवर्टाइजमेंट पी आर इट इट रियलीस्ट एलॉट अगर आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आते हो दोटिफुल थिंग इज द सेम पर्सन इज कंज्यूमर द सेम पर्सन इज योर सेलर द सेम पर्सन इज योर डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट इट ब्यूटिफुल मीन यू यूज सपोज हनी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम हनी की हनी आप मैन्युफैक्चर किए और एक बंदे को दिए भाई इसको लेके तू सेल कर या इसको कंज्यूम कर वो बंदा उसको कंज्यूम भी करता है कंज्यूम करने के बाद अगर उसको अच्छा लगे तो दूसरे को सेल करता है जब वो दूसरे को सेल करने लगता है अर्न भी करता है सो इट इज बेसिकली इसको आप बोलते सोने पे सुहागा इट्स ब्यूटीफुल मॉडल इट्स रियली ब्यूटीफुल मॉडल एंड Uh, i would suggest those guys those are into traditional business and following the fundamentals of traditional business line to try out direct sales at least once and try to sell it trust me the profit margin will increase and the expense in the whole sales life cycle will decrease more than 30% i can bet on it another thing is

के पास एम बी ए डिग्री था सेल्समैन इज समबड़ी हु कैन हु कैन रियली कन्विंस द फ्रंट पर्सन अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दोडक्ट और सर्विस दैट ही हैच अगर वो अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाए तो सामने वाला जरूर खरीदता है और उस चीज को एक्सप्लेन कौन अच्छी तरीके से कर पाएगा जो खुद कंज्यूम किया हुआ है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है बट नेगेटिव चीजें यह है एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेल्स के नाम पे एमएलएम के नाम पे कोई क्रिप्टो स्कैम करता है कोई पैसे के बाद पैसे उसको सबका नाम एमएलएम दे दिया है वो एमएलएम नहीं है वो डायरेक्ट सेल्स नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट सेल्स इज सिंपल वन फैक्ट यू हैव ए प्रोडक्ट यू नीड सेल्स मैन एंड दैट सेल्स मैन कैन बी ए कंज्यूमर वेन कंज्यूमर रेफर अनदर पर्सन एंड he became a consumer, the first consumer will get the commission, that's a simple fact, so right at this moment maybe the Indian uh, normal traditional business people should think about direct sales once and try to implement with their existing model I'm very sure it will be uh, it, it will be really a, you know you can say turning point for the business so that's what my suggestion will be if at all you need any kind of if you have any kind of question, you can just ask me, I'll definitely help you out. Thank you very much for your time.